बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नई वीडियो के साथ मैं मकसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसा कि आज नए लेसन की तरफ चलते हैं, चौथा लेसन है आज, मशक नंबर चार है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हफ्तों के दिन कैसे बनते हैं, और ये आपके लिए बड़ा अहम है क्योंकि इनके सवाल आते हैं। ऊपर वो बताते हैं, उसके बाद नीचे चार ऑप्शन हैं, उनमें से एक को टिक करना होता है। तो इसलिए इस सवाल के भी आपको नंबर मिलते हैं, तो ये बड़े कीमती हैं। तो आइए मशक की तरफ, मैं आपको बताता हूं। अब ये दिन लिखे हुए, ये जैसे इरियोइल, ये इधर मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, इरियोइल ये इतवार को कहते हैं, वरियोइल ये सोमवार को कहते हैं, वरियोइल सोमवार को कहते हैं, ये हायोइल मंगल को कहते हैं, सोयोइल बुध को कहते हैं, मोगियोइल मोगियोइल जुमेरात को कहते हैं, खिमियोइल ये जुमा को कहते हैं, और थोयोइल हफ्ता को कहते हैं। अच्छा, इनमें क्या चीज है, आप ये देखेंगे कि सिर्फ ये लफ्ज चेंज हो रहे हैं, बाकी ये एक ही चल रहा है। ठीक है, ये एक ही चल रहा है ये सारा, बाकी ये देखें इधर वाले अल्फाज चेंज हो रहे हैं, इधर वाले यूएल 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 ये दिनों को कहते हैं ना, यूएल 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 ये दिनों को कहते हैं। अच्छा, एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूं, इरियोइल वरियोइल हायोइल सोयोइल मोगियोइल खिमियोइल और थोयोइल। अच्छा, ये हफ्ते के पूरे दिन आ गए, याद आपको ये करने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बनाया है मैंने, ठीक है, वो ये किया है, जैसे अच्छा वाज तो होता है ना WAS से, लेकिन मैं वो नहीं बना रहा, मैं चला रहा हूं आपको WHS से, आई वाज MKT, ठीक है ना, जैसे आई वाज MKT, ठीक है, आई वाज MKT। अब इससे क्या आपको फायदा होगा, मसला आपको ये होगा कि जब आप दिनों के नाम याद करोगे तो आपको तरतीब से याद नहीं होंगे, यानी इतवार से आप चलोगे तो आपको तरतीब से आप ये तो इसको तो याद कर लोगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगी ये कि खिमियोइल किसको कहते हैं, जुमे को कहते हैं, आपको नहीं समझ आएगी। उसके बाद आपसे कोई पूछ लेता है कि वरियोइल किसको कहते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि वो सोमवार को कहते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये एक तरतीब दे दी है मैंने, ठीक है ना, ये मैंने आपको एक तरतीब दे दी है, ये आप जब भी अपने पेपर में जाएंगे तो आपने ये चीज पहले से लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि एक सवाल पूछते हैं कि वो बिलफर्ज इतवार को वहां बाजार में गए थे, ठीक है, जब वो आपको बताएंगे या बताएंगे वो जुम्मे को मार्केट में गए थे, अच्छा आपको अब ये समझ नहीं आएगी कि जुम्मे को क्या कहते हैं ना, वो खिमियोइल कहेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि खिमियोइल कौन सा है। अच्छा, क्या होगा कि जब आप ये लिख लोगे आई वाज MKT, ठीक है, तो फौरन आप जब वो खिमियोइल कहेंगे ना तो आप यहां पे पहुंच जाओगे कि ये खिमियोइल है। अच्छा, जब आप इस पे पहुंच जाओगे तो आप आराम से इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा, ये जुमा निकल आया, ठीक है, ये जुमे का दिन बन गया। अच्छा, अगर उसने कहा कि हम जो थे किसी और दिन चले गए, जैसे उसने कहा कि सोयोइल चले गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि सोयोइल एस से निकला है, ठीक है ना, तो एस से निकला है तो वो किसको कहते हैं, ये खड़ा है, ये बुध बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको मैं एक एक
सब लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये इतवार इरियोइल, वरियोइल सोमवार, ठीक है, हवायुइल मंगल, ठीक है, अच्छा मोगियोइल जुमेरात, थोयुइल हफ्ता। अच्छा इससे क्या हुआ, इससे आपको क्या आसानी होगी कि जैसे ही आप ये लिख लेंगे कोई भी दिन इसका कोई भी बताया जाएगा आप फौरन अपनी तरतीब का आपको पता चल जाएगा, सिर्फ यही लिखा होगा। ठीक है, वो उसमें कहता है सोयुविल, आप फौरन एस से देखोगे बुध, वो कहेगा हवायुविल, आप फौरन से देखोगे मंगल, वो अगर कह देगा खिमयुविल आपको फौरन समझ आ जाएगी कि जुमे की बात हो रही है, नीचे आप वही ढूंढोगे। ठीक है, खिमयुल वही दिन आ जाएगा, थोयुविल आ जाएगा तो आपका हफ्ता आ जाएगा। ये जो है ना आई वाज एम के टी, यानी मैं उसको अपने तलफ़ुज़ में एक फार्मूला बनाया है आई वाज एम के टी, इसको आप जब याद कर लेंगे तो आपके लिए नहायत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा ये आपने याद कर लेना है, आई वाज WHS, आई वाज एम के टी, इरियुइल वरियुइल हायुइल सोयुइल मोगियुइल खिमयुइल थोयुइल, ये सारे के सारे दिन आ गए, ये इतवार आ गया, ये सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता, इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो ये भी आसान है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।